नमस्कार बच्चों, आज सत्य निष्ठा अथवा सत्यवादिता दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। सत्य निष्ठा, सत्य पर चलना हमारे जीवन का एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। कहने को तो सत्य शब्द छोटा सा लगता है, लेकिन इसका महत्व बहुत ही ज़्यादा है। देखो बच्चों, जीवन में सबसे ज़्यादा महत्व होता है चरित्र का। चरित्र को सुंदर बनाने के लिए सत्यनिष्ठता एक महत्वपूर्ण पहलू है। हम इतिहास के पन्ने उठाएं, अपने संस्कृति को देखें, आज से युगों पहले, कई हजार युग पहले हरिश्चंद्र हुए, कितने राजा हुए, लेकिन हरिश्चंद्र जी को हम याद करते हैं उनके सत्य पे, सत्य हरिश्चंद्र। आज तक वो हमारे लिए उदाहरण बने हुए हैं। सत्य में एक ऐसा गुण है, सत्यनिष्ठा चरित्र का एक ऐसा गुण है जो कि हमारे चरित्र को, हमारे व्यक्तित्व को एक बहुत ही उज्जवल बनाता है। आधुनिक भारत की बात करें, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, उन्होंने अपने चरित्र में सत्यनिष्ठा का गुण अपनाया था। उन्होंने सत्यनिष्ठा का जीवन में संकल्प लिया और यही गुण उन्हें मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बना गया। अक्सर बच्चों आप अपने आगे पीछे सुनते हैं कि ये पुरानी बातें हैं, ये घिसी पिटी बातें हैं। आदर्श जो है कभी पुराने नहीं होते, घिसे पिटे नहीं होते। ये जो ऐसे मानवीय गुण हैं हमेशा ही हमारे चरित्र को यहाँ उज्जवल बनाते हैं। दूसरी तरफ समाज में हमारी इन गुणों को हम अपना लें, हमारा विश्वास भी बना रहता है और मान प्रतिष्ठा भी बनी रहती है। आप समझे, गडरिये वाली कहानी तो सुनी होगी कि एक गडरिया अक्सर झूठ बोलता था, शेर आया, तो धीरे धीरे उस पर से लोगों का भरोसा उठ गया, उस पर कोई विश्वास नहीं रहा लोगों को उस पर कोई विश्वास नहीं रहा, और एक दिन जब सचमुच शेर आ गया तो वो काल का ग्रास बन गया। तो समाज में अपनी मान प्रतिष्ठा बनाने के लिए, अपना समाज में एक विशेष स्थान बनाने के लिए, अपने व्यक्तित्व को उज्जवल उठाने के लिए सत्यनिष्ठा एक ऐसा गुण है जिसको हम अपने जीवन में अपना लें तो हम समाज के विशिष्ट और सम्माननीय व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।